श्री दुर्गा सप्तशती का भावार्थ। पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की स्त्री छाया से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व काल में स्वारुचिष मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी यवन राजाओं से राजा सुरत की शत्रुता हो गई। राजा सुरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में यवन राजाओं ने सुरत को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्मनीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा, और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। और मंत्रीगण राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था, वह नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सुरत की बातों को सुनकर उस वैश्य ने राजा सुरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण मैं अपने स्त्री पुत्र स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या दुराचारी। यह सुनकर राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों आ सकते है? तब वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, हे महापते, हे राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है, यह जानते हुए भी अनजान हो रहा है। मेरा मन उन दुष्टात्मा स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्वश्वास चल रहे हैं।
मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है, मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सुरत और समाधि वैश्य दोनों श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छिने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा मन स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बंधता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी है। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है, इतना अज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है, इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई जीव दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है, वह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन वे करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं देखते, पुत्रादि उनका भरण पोषण ना भी करे तो भी माता पिता तो करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्मज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह भगवती ही संसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोले, हे भगवन, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनके स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में जानना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है, उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मेल से पैदा हो गए
और ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुई। वही ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने हेतु आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, महामाये तुम स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वशत्कार स्वर हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य अर्ध मात्रा भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो। हे देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूपा तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा आप ही हो। हे जगन्मये, इस विश्व में संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुशुंडी, परिघ आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य सौम्यतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। अखिल आत्मिके, सत्य और असत जो कुछ जहां है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करता है, उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन अपनी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कराया है। अथा कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है? आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों को संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदनंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी, वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्तवर्ण हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अथा दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। तब भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान,
हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल ना हो। ऋषि मेधा ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए, उनसे तथास्तु कहा और दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुनो। श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय संपूर्ण। जय माता दी।